बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने एक्शन क्योरीज पार्ट 3 को मुकम्मल कर लिया था, यानी दोस्तों हमने अपडेट, अपेंड और डिलीट क्योरी की डिटेल्स आपसे शेयर कर ली थी। आज के लेक्चर में हम एक्शन क्योरीज का पार्ट 4 आपको इम्प्लीमेंट करना सिखाएंगे, जिसमें हम क्योरी के जरिए आपको टेबल को क्रिएट करना सिखाएंगे। तो दोस्तों आइए इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों मेक टेबल क्यूरी क्या करती है? द मेक टेबल क्यूरी इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल फ्रॉम डेटा दैट इज स्टोर्ड इन अदर टेबल्स। यानी दोस्तों आप यहां पर एमएस एक्सेस में मेक टेबल क्यूरी के थ्रू आप पहले से मौजूद किसी टेबल के डेटा के जरिए किसी न्यू टेबल को जनरेट करवा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप सबसे पहले इस क्रिएट टैब में जाएंगे, इसके बाद इस क्यूरीज के ग्रुप के अंदर आप क्यूरी डिजाइन पर क्लिक करेंगे। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन से टेबल के डाटा से एक नया टेबल क्रिएट करेंगे। दोस्तों मैं इस एम्प्लॉय के टेबल के डाटा से एक नया टेबल क्रिएट करना चाहती हूँ। मैं इस ऐड पर क्लिक करूंगी और क्लोज कर दूंगी। अब मुझे ये बताना है कि इस टेबल में से कौन सी फील्ड्स को मैं अपने नए टेबल में देखना चाहती हूँ। तो मैं एम्प्लॉय आईडी को देखना चाहती हूँ, फर्स्ट नेम को देखना चाहती हूँ, लास्ट नेम को देखना चाहती हूँ और जॉब टाइटल को देखना चाहती हूँ। तो मैं इन तमाम पर डबल क्लिक करके इनको इस ग्रिड के अंदर ऐड करवा लूंगी। दोस्तों उसको ऐड करवाने का एक तरीका ये भी है कि ये जो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आ रहा है, आप यहाँ से भी फील्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर मौजूद इस मेक टेबल की टाइप पर क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो न्यू टेबल यानी मेक न्यू टेबल जो आप बनाना चाहते हैं उसका नाम क्या होगा। दोस्तों मैं उसका नाम रख देती हूँ माहे न्यू एम्प्लॉय। मैंने इसका नाम रख दिया और ये मैंने ओके कर दिया। दोस्तों जैसे ही आपने ओके किया, ओके करने के बाद आप क्या करते हैं दोस्तों, हमारा लास्ट काम होता है उस क्यूरी को रन करने का। यानी हमने क्यूरी तो बना ली है, अब हमारा काम है कि उसका रिजल्ट देखना। उसके रिजल्ट के लिए हम इस रिजल्ट के बार के अंदर मौजूद रन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एक मैसेज, यू आर अबाउट टू पेस्ट 3 रोज इनटू अ न्यू टेबल। यानी अब जो आपका न्यू टेबल बनेगा उसमें 3 रोज मौजूद होंगी। आप यस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों पहले सिर्फ 2 टेबल थे, एम्प्लॉय और टेम्प एम्प्लॉय का। लेकिन अभी क्योंकि हमने मेक टेबल क्यूरी के जरिए एक नया टेबल बनाया है माय न्यू एम्प्लॉय का, तो वो जनरेट हो चुका है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इस एम्प्लॉय के टेबल से एक नया टेबल माय न्यू एम्प्लॉय क्रिएट हो चुका है। इस तरह से दोस्तों ये मेक टेबल क्यूरी काम करती है। दोस्तों यहाँ पर हमारी एक्शन क्यूरीज का इख्तिताम हुआ, जिसमें हमने मेक टेबल क्यूरी, अपडेट क्यूरी, डिलीट क्यूरी और अपेंड क्यूरी को क्रिएट करना सीखा, इम्प्लीमेंट करना सीखा। अगले लेक्चर में हम थर्ड टाइप ऑफ क्यूरी, पैरामेट्रिक क्यूरीज की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।